so general provisions for individual differences are very important as uh, uh, we can uh, just uh, discuss about that the, what can be the provisions for uh, general students उसमें एडजस्टिंग द method ऑफ टीचिंग है कि टीचर को देखना ये चाहिए कि उसकी क्लास के बच्चे जो हैं वो किस पोटेंशियल के हामिल हैं और एक जनरल क्लास रूम में तो चूंकि मिक्स एबिलिटी बच्चे बैठे होते हैं उसमें इंटेलिजेंट जीनियर्स और एवरेज बच्चे और स्लो लर्नर जो हैं वो सब बैठे होते हैं और अल्लाह ताला की तकसीम के मुताबिक जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं जीनियस जो है वो एक पोर्शन होता है और एक स्लो लर्नर्स का भी पोर्शन होता है तो स्लो लर्नर्स जो बच्चे हैं स्लो लर्नर से मुराद जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्लास में उसकी कई हो सकती हैं बाजार जो जीनियस बच्चे हैं वो भी स्लो लर्नर्स की तरह बिहेव करते हैं हमने कितनी हिस्ट्री में एग्जांपल्स देखी हैं जैसे आइंस्टाइन था इसी तरह से और कितने आपने साइंटिस्ट देखे हैं जिनको स्कूल से निकाल दिया और जो ओ लेवल तक जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो फेल हो जाते थे मुख्तिक सब्जेक्ट्स में तो उनको यही समझा गया कि ये बड़े नलाइक बच्चे हैं तो इसलिए इनको जो है स्कूल से निकाल दिया जाए तो बाजूगात हम इसको मिसअंडरस्टूड भी करते हैं इस तरह के टैलेंट्स और पोटेंशियल्स जो बच्चों के हैं जीनियस बच्चे और स्लो लर्नर्स इनको अंडरस्टैंड करना जो है और इनमें में इनको डिफरेंश करना भी मुश्किल होता है क्योंकि जीनियस बच्चा जब तक आप उसकी इंटेलिजेंस के मुताबिक एक्टिविटी ऑफर नहीं करते वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता आल दो उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है तो एक ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन एक टीचर को होना चाहिए तब वो जाके उसको जनरल जो है वो मैथडोलॉजी उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकती है इसलिए जीनीस बच्चों को आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि वो काम करके नहीं लाते जीनीस बच्चा जो होता है वो फॉलोअर नहीं होता आप याद रखिए आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो जो आप कहते हैं वो फॉलो नहीं करते बल्कि एक नया रास्ता एक नया नुकता एक नया आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं तो यू शुड यू, यू शुड अप्रिशिएट द आइडिया जो फॉलोअर होता है जैसी आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है वो जी सर जी मामा या पापा वो आपका फॉलो करता है जीनियस बच्चे के दिमाग में हमेशा एक आइडिया उससे ऊपर का आ रहा होता है जिसको हम पागल कह के, के हम खामोश करा देते हैं ये बच्चा तो हमेशा सवाल करता है क्लास में सारे बच्चों का टाइम जो है वो डिस्टर्ब करता है ऐसी तो ये हम गलती करते हैं अपने क्लास में क्योंकि पाकिस्तान में स्लो लर्नर्स के लिए अलग से स्कूल हैं इसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हैं जीनियस बच्चों के लिए कोई स्कूलिंग नहीं है यूरोप में और जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जीनियस बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स हैं जिसकी वजह से जितनी इन्वेन्शंस आपको नज़र आती हैं और जितनी आपको साइंस में और बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट नज़र आती है तो वहाँ उनकी स्पेशल कोचिंग होती है वो ये इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ चेक कर लेते हैं कि जीनियस बच्चे कौन से हैं फिर उनकी अलग से वो ग्रुप्स बनाते हैं और उनको अलग से ट्रेन करते हैं हमारे बेचारे सारे मिक्स बच्चे जो हैं इसी तरह ही पढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो, वो प्रोमिनेंट ही नहीं हो पाते जो जीनियस बच्चे होते हैं तो यहाँ पे टीचर को अपनी तमाम बच्चों के पोटेंशियल से अवेयरनेस हासिल करनी है और उसके मुताबिक अपनी मेथडोलॉजी को एडजस्ट करना है उसके बाद एडोप्टिंग स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअलाइज या इंडिविजुलाइजिंग इंस्ट्रक्शन ऐसे बच्चे जिनका कोई स्पेशल प्रॉब्लम है कोई हेयरिंग uh, है विजुअल इम्पेयरमेंट uh, है आईसाइड वीक है आप उसको पीछे नहीं बिठाएं आप उसको आगे बिठाएं इस तरह की छोटी प्रोविजन्स जो हैं आप क्लास रूम में कर सकते हैं फिर उसके बाद साइज़ ऑफ द क्लास शुड बी स्मॉल एज़ पॉसिबल ज़्यादातर जो अच्छी क्लास साइज़ है वो थर्टी फाइव स्टूडेंट्स को कहा गया है कि इस जिसको एक टीचर जो है वो सारे बच्चों को आ, अच्छी तरह केटर कर सकती है तो जब अस्सी अस्सी बच्चे होंगे तो यकीन करें वहाँ पे एजुकेशन जो है वो उसकी क्वालिटी ने क्या इंप्रूव होना है बल्कि उन बच्चों को तो आप डिसिप्लिनरी इश्यूज को ही कंट्रोल करने में आपका सारा टाइम लग जाता है तो पहली चीज़ तो एक सजेशन ये है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट जो है वो थर्टी टू थर्टी फाइव जो है वो होनी चाहिए लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में टीचर्स के इखियार में ये चीज़ नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स प्राइवेट जो हैं वो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो कर सकते हैं और पब्लिक में भी अगर एक क्लास बड़ी है तो उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास टीचर्स हैं और अगर आपके पास टीचर्स नहीं हैं तो फिर हम ग्रुप वर्क से ही काम चला सकते हैं कि वो बड़ी क्लास को आप ग्रुप्स में डिवाइड करके एक एक दिन जो है वो दस ग्रुप्स को आप टैकल कर सकते हैं कोई भी काम दे के उनकी प्रजेंटेशन कर सकते हैं या उनको आप डील कर सकते हैं ये कुछ स्ट्रेटीज़ हैं जो कि एक टीचर एडोप्ट uh, कर सकती है उसके बाद टीचर शुड कीप इन व्यू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स वाइल इंगेजिंग देम इन ड्रिल और प्रैक्टिस टीचर को पता होना चाहिए कि ये मेरे कुछ बच्चे हैं जो कि बड़े एक्टिव हैं बड़ा एक्टिवली ये रन कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं सवाल जवाब कर सकते हैं कुछ मेरे इसमें बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उसको उन बच्चों को जो है वो उस लिहाज से एक्टिविटी देनी चाहिए जिस लिहाज से उनका पोटेंशल है हर एक बच्चा एक ही जैसा परफॉर्म जो है वो क्लास में नहीं कर सकता टीचर मस्ट नो दैट उसके बाद स्पेशल कोचिंग और गाइडेंस उन बच्चों के लिए जो डल हैं या गिफ्टेड हैं मैंने आपको बताया डल और गिफ्टेड डल का लफ्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आपको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस हर इंसान में होती है कम या ज़्यादा तो कम के लिए स्लो लर्नर जैसे हम कह रहे हैं स्लो लर्नर ज़रूरी नहीं है कि वो डल ही हो वो जीनियस बच्चा भी स्लो लर्नर बन सकता है अगर उसकी प्रॉपर कोचिंग ना की जाए सो अ टीचर मस्ट नो the abilities and potential and then assign assignments according to their abilities that is important rule